तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था पिछली वीडियो में कि हम आएंगे अपना ड्राई शैम्पू लेके हिमालय का, क्योंकि तो मैंने बताया था हिमालय ईपी के बारे में जो कि एक शैम्पू है। और अभी मैं बताने जा रहा हूँ हिमालय फ्रेश बोट जो कि ड्राई शैम्पू है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये भी हिमालय का ही है और काफ़ी बेहतरीन शैम्पू है, बट ये ड्राई शैम्पू है। अब मैं बता दूं आपको कि ये जो शैम्पू है वो कैसे कैसे यूज़ करना है और कब करना है। तो दोस्तों, ये जो ड्राई शैम्पू आप देख रहे हैं, ये इसको जो है जब आपका पप्पी छोटा हो, 3 मंथ से छोटा हो, 2 मंथ से छोटा हो, या फिर अब जब भी आप इसको बचपन में लाते हैं, अगर उस समय ठंडे का मौसम रहता है तो आप तो नहला सकते नहीं हैं अपने डॉग को, तो उस समय नहला सकते नहीं क्योंकि निमोनिया होने का चांस बहुत बढ़ जाता है डॉग में। और मैं बिल्कुल ही नहीं बोलूँगा कि आप नहलाएं अपने उतने छोटे डॉग को, पपीज़ को। तो ये जो शैम्पू है ये क्या करता है, तो दोस्तों ये जो शैम्पू है ये बहुत हद तक काम आता है कि आपके डॉग को वॉश करने में और फ्रेश कर देता है आपके कोट को, आपके डॉग के कोट को, ताकि ये अट्रैक्टिव दिखे और बहुत हद तक साफ कर देता है। जी हाँ, ये फ्लीज या फिर इचिंग वगैरह के लिए तो काम नहीं आता है, पर जहाँ तक की बात करूँ तो क्लीनिंग विदाउट वाटर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, रूटीनली फॉर स्किन एंड फ्रेश कोट के लिए है, फ्रेश कोट कर देगा। क्विक फ्रेशिंग बिटवीन बाथ्स, मतलब तुरंत फ्रेशनर ला देगा आपके डॉग को बाथ के बाद, एज एन अल्टरनेट टू नॉर्मल बाथ स्पेशली इन अ कोल्ड वेदर। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि कोल्ड वेदर में स्पेशली बाथ के लिए यूज़ करना चाहिए, और छोटे डॉग ही नहीं, आप बड़े डॉग पे भी ये यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े डॉग पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये अभी 150 ml का है, 150 ml का बॉटल है जो कि मुझे पड़ा है, ये 220 रुपये MRP है, मुझे ये 200 रुपये में मिल गया है, और मुझे नहीं पता वहाँ पे कितने में आपको मिलेगा, पर ये 150 ml का है जो कि मुझे 220 रुपये में मिलना था तो मिल गया है 200 रुपये में। तो आइए बता दूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो काफ़ी सिंपल मेथड है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत कोई गलती करते हैं इसको पानी में डाल के लगा देते हैं, तो वैसा कुछ करना नहीं, इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये ड्राई शैम्पू है और इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप अपने डॉग को लाइए नॉर्मल सा, उसके सब जगह पे स्प्रे कर दीजिए, ये आप देख रहे होंगे, स्प्रे कर दीजिएगा। उसके बाद मतलब कोने कोने में एकदम आपको स्प्रे करना है एकदम अच्छे से, ताकि सब जगह अच्छे से मिल जाए। उसके मिलने के बाद आपको क्या करना है, एक टॉवल लेना है, या दोस्तों एक टॉवल लेना है, उसके बाद उसको अच्छे से पोंछ देना है रब करके और सुखा देना है। उसके बाद आप चाहे तो आप ब्लोअर का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लोअर के यूज़ करने के बाद, या आपके पास ब्लोअर नहीं भी है तो आप उसे नॉर्मली धूप में जाकर सुखा सकते हैं, ठंडे के दिन में धूप में ले जाना बहुत ही अच्छा होता है डॉग की सेहत को, और मैं तो बोलूँगा कि आप डॉग को पर डे ठंडे में आप धूप में ले जाए अपने डॉग को। और मैं ये भी एडवाइस करूँगा कि छोटे बच्चों को कृपया आप बाहर ना निकालें, 3 महीने से पहले कभी नहीं निकालें, चाहे ठंडा हो या गर्मी हो। तो जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, ज़्यादा कुछ है नहीं, पर जो भी है बेस्ट है, आपको काफ़ी हद तक सहायता करेगा, और होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को फैला दीजिए, ताकि सबको पता चले कि कैसे यूज़ करना है इस प्रोडक्ट को और कैसे नहीं करना है। और भी टॉपिक बहुत सारे मैं लेके आऊँगा हर प्रोडक्ट के ऊपर, आप जैसे जैसे कमेंट करेंगे मैं सारे प्रोडक्ट के ऊपर लेके आऊँगा वीडियो, और आपको बताऊँगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है। तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।